अजमेर न्यायालय के जरिए परिवादी ने आदर्श नगर थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाने के हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र ने बताया कि न्यायालय के जरिए परिवार मिला है, जिसमें बताया गया कि लक्ष्मण सिंह द्वारा माहिर पेंट एंड केमिकल कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। लक्ष्मण ने बताया कि उन्होंने 29 सितंबर 2021 को अजमेर के परबतपुरा में समाहित पेंट एंड केमिकल फैक्ट्री के अधिकारी भावना व सत्यजीत से बातचीत की, जिन्होंने परबतपुरा बाईपास पर गोदाम भी खुलाने को लेकर एग्रीमेंट किया, लेकिन इस बीच गुणवत्ता का माल नहीं भेजा गया और उनके साथ धोखाधड़ी की गई, जिसके कारण उन्हें काफी नुकसान हुआ है। इस संबंध में रैली के जरिए कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। अब तक किसने दर्ज कराया मामला? पूरा मामला क्या है? कल दिनांक 25 मार्च 2022 को न्यायालय श्रीमान JM4 से परिवादी श्री लक्ष्मण लाल बोरा का 156(3) के तहत थाना आजापुर परिवाद प्राप्त हुआ, जिसमें परिवादी ने बताया कि मैंने 29 मई 2021 को अजमेर आया और अपराधी जो कि अमाहिर पेंट्स एंड केमिकल के संचालक श्रीमती भावना गोरा व सत्य प्रकाश जो कंपनी के मैनेजर हैं, उनसे एक एग्रीमेंट किया, जिस बाबत उन्होंने अजमेर में उक्त केमिकल का माल बेचने हेतु मुझे यह गोदाम अजमेर परबतपुरा बाईपास पर गोदाम खुलवाया। एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार माल नहीं भेजने से कंपनी ने बाजार में कंपनी की गुणवत्ता कम होती दिखाई दी, जिस पर परिवादी द्वारा संचालक भावना गौरव व मैनेजर सत्य प्रकाश जी से बार बार निवेदन किया, परंतु उन्होंने उच्च क्वालिटी का माल नहीं भेजा, जिससे परिवादी की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई, जिस पर उन्होंने एग्रीमेंट के दौरान दिए 7,25,001 रुपये की मांग लौटाने के लिए कहा, तो परिवादी तो अपराधी गण आज तक टालते रहे, जिसलिए परिवादी ने न्यायालय द्वारा थाना आजापुर 156(3) के तहत प्रकरण संख्या 245/22 दर्ज कराया, धारा 420, 406, 120 भी ITC, जिसका अनुसंधान श्रीमान SHO साहब द्वारा किया जा रहा है। आपका नाम पत्र? मैं हेड कांस्टेबल 201 धर्मेंद्र सिंह, थाना आदेश नगर अधिकारी।